अपने बहिन के कोनो भी कोने में छुपाला। अगर तोरे बाबूजी का दामाद बन के ना देखाई नी तो हमरो नाम निरहुआ ना खेसारी लाल के खेसारी का भी हाँ सुनाइए ना। हमारा मालूम बा हमारे खाते आयल बड़ो। अरे भैया जौन बतिया रउआ कहले हैं वो बतिया बहुत लोग कहला तो हमारा पूरा आशीर्वाद बा सपोर्ट बा कि पूरा तू गोपालगंज में ना एकदम तो हल्का मचाओ हो बाबू हमारी है बा। ये ना तुम जानती हो कि एसआर के खान क्या है। अरे देखा है साजन की आंखों में पहली बार प्यार पहले क्या चिपड़े देखते थे। हाँ हम हई रानी तो हरे ओढ़ के फूलावा वाह तू हमार फूला गेनावा हो मस्त लुगा पहन के हमारे सामने बस एक बार आ जाई तू सलाह मर जियरा जुड़ा जाई। वाह अभी हमारे साथ भोजपुरी के एक ऐसे कलाकार है मित्रों जो निरहुआ के साथ आम्रपाली दुबे और इसके बाद बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार समर सिंह के साथ जो है काम कर चुके हैं और निरहू जी के साथ काम कर रहे थे ये और उनकी आवाज भी हूबहू निकाल लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज भी ये परेशान है हताश है क्योंकि इनको अभी वो मंच नहीं मिल पाया है जिस मंच के लिए सच मायने में बने हैं। क्या नाम है आपका? विपुल ठाकुर। विपुल ठाकुर क्या करते हैं? एक्टिंग डांस मिमिक्री वीडियो बनाते हैं यूट्यूब मिमिक्री भी कर लेते हैं। हाँ। अच्छा किसकी मिमिक्री करते हैं? सबकी कर लेते हैं लगभग जितने भी मतलब फेमस जितने भी हैं। हाँ। सबकी कर लेते हैं। अच्छा तो जैसे किसके साथ आप काम कर चुके हैं? निरहुआ जी के साथ कर चुके हैं। हाँ। तो ये लोग तो आज सांसद बन गए और आप उनके शिष्य हैं तो गुरु जी तो सांसद बन गए और शिष्य शिष्य रहेगा। हम भी ट्राई कर रहे हैं कुछ। अच्छा। हाँ। क्या ट्राई कर रहे हैं? वीडियो बनाते हैं एक्टिंग भी करते हैं। अब हमारा सोशल मीडिया पर व्यूज ही नहीं आता है। हाँ। हाँ, इनकी अगर चर्चा हम करें तो जैसे आदर्श आनंद जी है भागलपुर वाले उन्हीं की सेम स्टाइल में ये मिमिक्री भी करते हैं स्पूफ वीडियो भी बनाते हैं और इसके बाद एक्टिंग और डांस भी उन्हीं के स्टाइल में करते हैं। वो भागलपुर कहते हैं तो ये गोपालगंज के हैं। जी गोपाल। मैं चाहूंगा कि किसी की मिमिक्री करके पहले सुनाइए। दिनेश भैया के कर देते हैं। दिनेश भैया निरहू जी की। हाँ। अरे भैया जौन बतिया रउआ कहले हैं वो बतिया बहुत लोग कहला। हाँ। अब वो कहा कि हमरो एगो श्रद्धा कि कहियो हमहू एगो बड़ इंसान बनी। हाँ। अब कहियो ना कहियो तो बनबे करब ये अपन कोशिश बा। हाँ। अब यही से हम रात दिन मेहनत करत हई हमरो एगो श्रद्धा कि मस्त लुगा पहन के हमारे सामने बस एक बार आ जाई तू सलाह मर जियरा जुड़ा जाई। वाह ये जो है दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के स्टाइल में आपने उनकी आवाज निकाली। जी, जी। अच्छा ये सीखा कहाँ से? जी अपने आप अपने से। अच्छा क्या किसके साथ काम किए थे? निरहू जी के साथ क्या काम किए हैं आप? उसमें एक शादी का सीन था उसमें उनके भाई का किरदार किया मैंने। हाँ, हाँ, गाना हाँ, भी किया एक उसमें। हाँ, हाँ, अच्छा कौन सा कुछ और उनके स्टाइल में कर लेते हैं मिमिक्री में? हाँ, गाना भी गा लेते हैं। गाइए। बसवा के कोई न लेखा पतरी कमरिया हो। हाँ। लचकेला जई से लवंगिया के डढ़िया हो। वाह। बहेला पुरवाई आ जब ले लू अंगड़ाई मन डोले लागे जैसे डोले बेनावा हो। हम हई रानी तो हरे ओढ़ के फूलावा हो तू हमार फूला गेनावा हो। हम हई रानी तो हरे ओढ़ के फूलावा। देखिए मिमिक्री और डायलॉग बोलना बहुत ही आसान है लेकिन किसी की भाषा में गाना गाना बहुत ही कठिन है और ये कठिन काम जो है इन्होंने कर दिया है इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इनके अंदर अटूट प्रतिभा है और इनको बड़ा मंच मिलना चाहिए। दिनेश लाल यादव जी ने चुनाव के समय में एक गाना गाया था याद है? वो हमको नाम नहीं याद आ रहा है लेकिन हो सकता है आपको नहीं। अच्छा उनके स्टाइल में कुछ और डायलॉग सुनाएंगे? सुना दीजिए। अपने बाप से बता दीजिए। हाँ। कि तोहार दमादा होता नहीं। हाँ। अपने बहिन के कोनो भी कोना में छुपा ला। हाँ। अगर तोरे बाबूजी का दमाद बन के ना देखाई नी तो हमरो नाम निरहुआ। हाँ। वाह वाह बहुत बढ़िया अटूट प्रतिभा है और शायद से इससे पहले मैंने निरहू जी के मिमिक्री करते हुए किसी भी कलाकार को नहीं सुना था। रवि किशन की आवाज निकालते हैं सुनाइए थोड़ा सा। नमस्कार बाबू बहुत अच्छा लागल है तुम्हारी स्वभाव देख के हो बाबू बहुत बढ़िया मन मतलब पूरा भावुक हो गए एकदम गदगद हो गए बा। और हम ये दुआ करब कि तू बहुत आगे जा बहुत ऊपर जा एकदम तो और हमार पूरा आशीर्वाद बा सपोर्ट बा कि पूरा तू गोपालगंज में ना एकदम तो हल्का मचाओ हो बाबू हमारी ये बा। बस एगो डायलॉग याद रखिये हो बाबू जिंदगी झगन झंड बा हो बाबू लेकिन घमंड नहीं के। अच्छा ये बताइए कितने साल से ये सब कर रहे हैं?
ये 7-8 साल तो हो ही गया। 7-8 साल से जी। जान लीजिए ये 7-8 साल से, पिछले 7-8 साल से जो है ये YouTube पर वीडियो बना बना कर डाल रहे हैं, और ऐसा ऐसा वीडियो जिससे आदर्श आनंद और बॉलीवुड वाले भी हैरान हो जाएंगे, और ऐसा वीडियो ये बनाते हैं कि आदर्श आनंद भी वैसा वीडियो नहीं बना पाएंगे। लेकिन आज इनके इस YouTube चैनल पर सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 हजार सब्सक्राइबर हैं। क्यों? क्योंकि ये अच्छा करते हैं और अच्छे लोगों का सहयोग ये दुनिया नहीं करती है। चैनल का नाम क्या हुआ? मेरे चैनल का नाम है बीबी पुल एंटरटेनमेंट। बी बिपुल एंटरटेनमेंट। बी बिपुल एंटरटेनमेंट। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यार दीजिए। सही बात है कि ये इनके अंदर बहुत सारी प्रतिभा है, और जिस तरीके से भागलपुर के आदर्श आनंद को आप लोगों ने प्यार दिया है, वैसे गोपालगंज के इस लाल को आप लोग प्यार दीजिए। अच्छा, और किसकी आवाज निकाल लेते हैं? बहुत लोगों की। सुनाइए। खेसारी लाल के। खेसारी का भी। हाँ सुनाइए ना। हमारा मालूम बा, हमारे खाती आयल बड़ो, हमारा पता बा, तू हमारा से प्यार कर लू बुझाइल, हमको तूरना है जी। हाँ हम छिला तनी तो छिलाता हमरा से, आए हम जाना तनी आई इतिहास हम दोबारा ना दोहराए, काहे कि हम तो से बहुत प्यार करी ले। तो का कुकुर खानी दौरा के मारा भम बुझाइल, इसलिए हम ज्यादा नहीं बोलते हैं, नहीं तो कभी कभी ज्यादा बोल देते हैं, वहाँ कुटा भी जाते हैं। और किसकी आवाज निकाल लेते हैं? नाना पाटकर कर दिखाते हैं। अच्छा है। अरे देखा है साधन की आंखों में पहली बार प्यार, पहले क्या चिपड़े देखते थे। हाँ अच्छा है। अच्छा क्या खाक अच्छा है। हाँ अरे तीसरी में पढ़ा है मैंने, ऊपर भगवान सोचता होगा सबसे अच्छा इंसान बनाया, नीचे देखा तो सब साले कीड़े हो गए, रेंगते रहो। अच्छा है अच्छा है। अच्छा किसी महिला की भी आवाज निकाल लेते हैं, महिला फीमेल में। हाँ। किसकी? सिर्फ महिला। हाँ अच्छा निकालिए। ठीक सुनिए ना, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, अगर आप चाहें तो मुझसे प्यार कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ आई हूँ और आपके लिए जीऊंगी मरूंगी, सब कुछ आपके लिए, बस एक बार आप हाँ बोल दीजिए जी। अच्छा ऋतिक रोशन सर का भी आवाज निकाल लेते हैं क्या? सुनाइए थोड़ा सा, क्योंकि आदर्श आनंद जो है ऋतिक रोशन की जादू जो बने थे उसमें बहुत अच्छी आवाज निकालते थे, तो क्या आपको भी आता वैसी आवाज निकालना? हाँ उनका निकाल सकते हैं। मैं सब जानता हूँ, मैं सारे लोगों को जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, अपने माँ के बारे में जानता हूँ, तुम्हारे बारे में जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। माँ मैं आ रहा हूँ, माँ मैं आ रहा हूँ। मुझे लोग पागल पागल कहते हैं, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। मेरी आवाज को सुना जाए, मैं बहुत आगे जाना चाहता हूँ, मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं आसमान में जाना चाहता हूँ, मुझे सब आता है। अच्छा देखिए बहुत अच्छी प्रतिभा इनके अंदर, और सच मायने में जो ये कलाकारी और ये मिमिक्री कर रहे हैं शायद से ये कोई कोई इंसान कर पाता है। अगर ये अच्छा कर रहे हैं तो इनका सहयोग हम लोगों को सच मायने में जरूर करना चाहिए। चिड़िया उड़िया की भी आवाज निकाल लेते हैं, जानवरों में किसी की? नहीं जानवर जानवर में नहीं निकाल पाते। अच्छा बॉलीवुड में किसी कलाकार की? बहुत लोगों की। निकालिए। हमने एक फिल्म बनाई है। ये किसका है? अमिताभ बच्चन। हमने एक फिल्म बनाई है जिस फिल्म का नाम है ब्रह्मास्त्र। देखिए भाई साहब ये बहुत ही अच्छा फिल्म है जिस फिल्म का नाम है ब्रह्मास्त्र, और मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म आप जाकर एक बार जरूर देखिए। कहा है कि भाई ये फिल्म जो है हमने फिल्म में बहुत मेहनत किया है, और आप एक बार फिल्म देखिए फिर आपको समझ में आएगा कि ब्रह्मास्त्र क्या है। ये फिल्म हमारी तन पे बनी है भाई। दे हम बता दें कि रुस्तम तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन नाम है शाहीन शाह। और किसकी आवाज निकालते हैं? शाहरुख खान, सनी देओल, अमरीश पुरी। शाहरुख खान का निकालिए एक बार। ए प्रिया क्या तुम जानती हो मेरे बारे में? यू नो तुम जानती हो कि शाहरुख खान क्या है? ये चीज तुम्हें नहीं मिलना चाहिए, ये चीज सुनील को मिलना चाहिए, क्योंकि सुनील बहुत आगे है और सुनील मुझसे ताकतवर भी है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, तुम्हारी आंखें सिर्फ मेरी आंखों की तरह है। प्रिया यू नो तुम जानती हो कि मैं इस चीज को पा लेता हूँ। वाह वाह ये चीज मेरी है और मेरी ही रह के। सनी देओल साहब की निकालिए। क्या चाहता है तू? यही चाहता है जब मैं मर जाऊं तुम सिर्फ मेरी हो
सिर्फ मेरी, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता चड्डा। इन्हें समझाओ ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे जो खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता, मर्द उसे लेकर पैदा होता है। मैं एक बार ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ एक बात की जो है, अगर आप सच मायने में इनके यूट्यूब चैनल पर जाकर इनके स्पूफ वीडियो और इनकी एक्टिंग और इनकी कलाकारी आप देखेंगे तो ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ उस कलाकारी के दीवाने आप नहीं पूरा बिहार हो जाएगा। हजले खाली सुनले बानी, मन में सपना बुनले बानी, हजले खाली सुनले बानी, मन में सपना बुनले तो हर क्रिया ना भइल बट बोहानी हमार, तो हर क्रिया ना भइल बट बोहानी हमार, उठला लिया उठला लिया चीखे दाना धनिया हमार, उठला लिया चीखे दाना धनिया हमार। वाह, सच में जैसे लगता है कि निरहु जी हमारे सामने खड़े हैं और वो हमें एक गाना सुना रहे हैं, लेकिन आप अपनी आंखों पर गौर फरमाइए और ध्यान दीजिए कि निरहु नहीं बल्कि निरहु जी के जो है कलाकार, निरहु जी के जो है रूप में ये उनकी मिमिक्री करते हैं। बाकी इनको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है इनको बहुत सारा प्यार और दुलार दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।